गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका आपके अपने चैनल इंश्योर एग्जाम में स्वागत है। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। आज मैं आप लोगों के समक्ष स्पीडी सामान्य अध्ययन की बुक से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है विज्ञान की विभिन्न शाखाएँ। तो आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान की विभिन्न शाखाएँ। न्यूमिस्मैटिक का मतलब, न्यूमिस्मैटिक तो को क्या कहते हैं, सिक्कों का अध्ययन। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मैटिक। एकोस्टिक्स ध्वनि विज्ञान, ध्वनि विज्ञान की अध्ययन को क्या कहते हैं, ध्वनि विज्ञान की शाखा को एकोस्टिक्स कहते हैं। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी का मतलब कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी। और ओर्निथोलॉजी, ओर्निथोलॉजी का मतलब पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, ओर्निथोलॉजी कहलाता है। रेशम कीट पालन का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं, न्यूमिस्मैटिक सिक्कों का अध्ययन, ध्वनि विज्ञान एकोस्टिक्स कीटों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, ओर्निथोलॉजी और रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। अब हम आते हैं आगे की तरफ, मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर। फलों का अध्ययन या उसका उत्पादन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन या उत्पादन उसका क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, पीसीकल्चर। मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, पीसीकल्चर। और कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। और पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। तो एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर, फलों का अध्ययन या उत्पादन पोमोलॉजी, मत्स्य पालन का अध्ययन पीसीकल्चर, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी और पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। हम आते हैं आगे की तरफ, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, इक्थियोलॉजी। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, इक्थियोलॉजी। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, डेंड्रोलॉजी। वृक्षों एवं झाड़ियों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, डेंड्रोलॉजी। सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओफियोलॉजी। सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओफियोलॉजी कहलाता है। और छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, सारोलॉजी। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, सारोलॉजी। और काष्ठी पेड़ों का अध्ययन संवर्धन क्या कहलाता है, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन सिल्वीकल्चर। काष्ठी पेड़ों का संवर्धन क्या कहलाता है, सिल्वीकल्चर। एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी, सर्पों का अध्ययन ओफियोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन सारोलॉजी और काष्ठी पेड़ों का संवर्धन क्या कहलाता है, सिल्वीकल्चर। इस प्रकार हमारा आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।